नमस्कार दोस्तों, आशा देवी की पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं महाभारत की कथा में भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में आप सबको बताऊंगी। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपको आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दें। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवट राज इससे संतुष्ट ना हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्य पुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसे आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे, इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था, उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता है था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्ति देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कथा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होंगी,
अब तो तुम संतुष्ट हो? किसी की आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती ने शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर। विचित्रवीर की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुशल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम रह गया।